वाह मेरे शेरो भैया, नेदरलैंड वालों को तो रात आपने भिक्की बिल्ली बना दिया, कमाल कर दिया भैया। तीन हमारे आउट हो गए, बाबरी भी आउट हो गया, लेकिन मुझे साउथ शकील पे यकीन था। वाह साउथ शकील भैया, तूने बाबर की कमी पूरी कर दी, बल्कि कमी महसूस ही नहीं होने दी। जीता रहे बेटा, इसी तरह ठुकता रहे। इंजमाम सर, अभी तो केवल मैंने टेलर दिखाया, असली पिक्चर तो दिखानी थी, उसके बाद में आउट हो गया जी। 68 रन तो मेरे लिए भैया कुछ भी नहीं, ये तो भैया मैं हंसते हंसते बना गया। 32 गेंदों पर 50 ठोक डाली, नहीं या डबोनी थी, लेकिन फिर भैया हम लुढ़क गए। लेकिन रजवा ने भी सच साथ दिया, तुम टेंशन नहीं लो, विश्व कप जीत के लाएगा ये साउथ शकील। हाँ इंजमाम सर, साउथ शकील ने कमाल कर दिया यार, सबके मुंह बंद कर दिए यार। जो लोग कहते थे ना कि बाबर आउट हो जाता है तो कुछ नहीं कर पाते, हल्की टीम थी, हम जानबूझ के लुढ़क गए, ये मत समझना हम केवल 5 रन बना सके। हमने मौका दिया यार, इन लौंडों ने तो कमाल कर दिया भैया। मुझे भी टेंशन नहीं है कि मैं कहीं बड़े मैच में इधर उधर हो भी गया ना, तो ये भैया बच्चे लोग संभाल लेंगे। वाह वाह साउथ शकील, इसी तरह भैया मंडके रखना, डबल डबल शतक लगाना। हाँ निजमान सर, 38 पे 3 आउट हो गए थे यार, नेदरलैंड वालों से ज्यादा खुश यार इंडिया वाले हो रहे थे। थोड़े से आए थे भूतनी वाले ग्राउंड में, लेकिन दिमाग खराब करके रखा हुआ था, लेकिन यार फिर हम डट गए भैया। उसके बाद साउथ शकील आउट हो गया, मैं भी आउट हो गया, फिर चाचा भी आउट हो गया। नहीं तो भैया चाचा टिक जाता ना तो 400-500 बनाने थे, लेकिन 286 रन ठोका। बाद में नवाज और शताब ने अच्छी बल्लेबाजी कर डाली यार, कमाल कर दिया, उनको तो 205 पे लुटका डाला। अबे यार मेरा भी नाम ले लो, मैंने 3-3 विकेटें ली यार, वो 2 आउट होने के बाद तीसरा आउट नहीं हो रहा था, वो तो शताब खान ने किया। उसके बाद भैया अगले ओवर में मैं आया, एक ही ओवर में 2 विकेटें, पहले एक आउट किया, एक गेंद खाली की, उसके कप्तान को भैया स्टोक एडवर्ड्स को शून्य पे लूल किया, वो तो अगली गेंद पे भैया इफ्तिकार चाचा ने कैच छोड़ दिया, नहीं तो भैया उससे अगली बॉल हेडरक होनी सी थी, हो सकता हेडरक हो जाती और मेरे को 4 विकेटें मिल जाती, लेकिन फिर भी 2 विकेटें निकाल के कमर मैंने तोड़ी उनकी। हारस बेटा क्यों नाराज होते, तुम सब लोग बढ़िया खेले यार, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला, इसी तरह खेलो, लेकिन बल्लेबाजों ने डूबती हुई नैया डुबोई थी इसलिए, लेकिन आपने भी यार कमाल कर दिया, आपने भी डूबती हुई को फिर एक बार उतारा। लेकिन भैया चाचा तू यार कैच भी छोड़ा, रन भी नहीं बनाया, नहीं तो इसकी हेडरक हो जाती शायद, वो तो विकेट मिल जाती, 3 तो मिल जाती यार। तेरे को कल क्या हुआ था, कोई टेंशन था क्या? इंजमाम सर कोई टेंशन नहीं था, पहले बल्ला नहीं चला, 9 रन बने, लेकिन जीत में यार हमने भी ऐसा डाल दिया, पहली विकेट हमने ले ली, पहली गेंद पे जो दूसरी गिरी भैया लुल कर दिया उसको। उसके बाद भैया हार स्वरूप 2 विकेट ले चुका था, हमने सोचा यार कैच छोड़ देते, नहीं तो ये भैया इधर ही लुल हो जाएंगे, हमने सोचा हम फिर गेंदबाजी का मौका मिलेगी, एक आधी हमारे लिए भी विकेट बच जाए, इसलिए नहीं तो भैया उधर तो ओवर में 4-5 विकेट चली जानी थी, इसलिए भैया बच्चे लोग थे हमने सोचा ये भी खेल लें। ओ चाचा यार ऐसे नहीं करते, किसी को हल्के में नहीं लेते, चलो कोई बात नहीं, ये तो नेदरलैंड थी, लेकिन निजमान सर हमारी बल्लेबाजी देखिए, हम पे बहुत उंगलियां उठ रही थी भैया, हमने भी 32 रन ठोके और एक विकेट भी निकाला, अब भैया हमारी जगह भी पक्की, अब देखना आगे आगे हम क्या करते। कल तो हमने मिडल ओवर में विकेट भी निकाल के दिया, मेन विकेट निकाला, उधर से भैया हमारी जीत शुरू होगी फिर। इंजमाम सर 6 आउट हो गए थे 188 पर, फिर मैं और शताब ने भैया सहारा दिया, भैया हमने भी 64 रनों की भैया साझेदारी जड़ी, वो तो भैया मैं बाद में रन आउट हो गया, लेकिन हमारी टीम भैया 49 ओवर खेल पाई, हारस भी ठोकरा था छक्के, अगर पूरे 50 ओवर खेल जाते तो 300 का आंकड़ा तो हार से नहीं पूरा कर डालना था यार। हमने फिर गेंदबाजी में भी गेंदबाजी की मेन विकेट निकाल के दिया, वो लीदी के बच्चे की। हाँ मेरे शेरो, तुम सब लोगों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, कमाल का खेल किया। यह हसन अली बैठा है भैया, इसने भी 2 विकेट निकाली, एक पहली विकेट निकाली, एक बाद में वो शाहीन अफरीदी ने भी अच्छी गेंदबाजी की, एक विकेट निकाली, इसी तरह भैया और कप्तानी भी बहुत अच्छी हुई कल बाबर भैया, बीच बीच में फिर तेज गेंदबाजों को लाते रहे बाबर भैया, इसी तरह हिम्मत नहीं हारनी आगे, चाहे छोटी टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, टेंशन नहीं लेना, बस उसको उधेड़ के रख डालना है जैसे नेदरलैंड को रात उधेड़ा।
आई निजमाम सर तुम टेंशन नहीं लो, अभी तो मेरा बल्ला नहीं चला, जिस दिन मेरा बल्ला चल गया और साउथ शकील की पूरी पिक्चर चल गई ना, अभी तो उसने टेलर दिखाया था भैया कमाल धमाल कर देंगे, लोग कह रहे ना कोई टीम बनाएगी इंडिया में 500 रन इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, भैया नहीं वो हम बनाएंगे, वो भी 500 नहीं 600 बना के दिखाएंगे और विश्व कप भी हमारा ही है। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए ICC वर्ल्ड कप 2023 की, ठीक हो।